नमस्कार मेरे झारखंड के बेरोजगार भाइयों। तो भाइयों, झारखंड सरकार ने फिर से और एक बार घोषणा कर दी है सभी को बेरोजगारी भत्ता देने की। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप कृपया करके इस वीडियो पर थोड़ा देर बने रहे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगे कि क्या आपके जिला में आपके यहाँ बेरोजगारी भत्ता देना शुरू हुआ है कि यह भी झारखंड सरकार का एक दिलासा है। जो हर बार तो बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता अब मैं देना शुरू कर दूंगा, फॉर्म भी अप्लाई करवा लेता है, पर एक रुपया भी किसी का बैंक अकाउंट में जाता नहीं है। तो सभी लोग वीडियो पर थोड़ा देर के लिए बने रहे, वैसे लंबा मैं वीडियो नहीं करूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि झारखंड और भारत के योजनाओं से जुड़ी सारी खबर मैं इस वीडियो पर आपको बताता हूँ, आपको अपडेट कराता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि झारखंड सरकार क्या आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। क्योंकि दोस्तों, सुनने में आया है कि झारखंड के बहुत सारे जिले हो गए, जैसे पलामू, लोहरदगा, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, यह सब जिले में सुनने में आया है कि झारखंड सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों आप झारखंड के अलग अलग जिले से हैं, अलग अलग प्रखंड से, पंचायत से, प्रमंडल से हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं कि क्या झारखंड सरकार आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है, या आप लोगों को अप्लाई कराया गया है, या कोई भी इसके बारे में जानकारी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके सब साझा करें, एक दूसरे से जानकारी साझा करें। क्योंकि हम लोग भी जानना चाहते हैं कि किन किन जिलों में बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है, कहाँ कहाँ नहीं दी जा रही है। अगर कोई जिलों में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, कोई जिलों में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है, तो मैं इसका पूरा डिटेल निकालूंगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कई जिलों में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और कोई कोई जिलों में नहीं मिल रहा है। तो मैं इसके बारे में सारी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा और सारा प्रोसेस भी बताऊँगा कि आप बेरोजगारी भत्ता के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन मैं निकाल कर आपको दूंगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी कि आप नीचे कॉमेंट बॉक्स पर अपने यहाँ के बारे में जानकारी दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, इस वीडियो को अपने जितने भी मित्रों हैं सभी तक पहुँचाएं और उससे जानकारी लेने का प्रयास करें, तभी मैं इसके बारे में कुछ कर सकूंगा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी दे पाऊंगा। तो यह बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।